बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को निगमबोध घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। यहां परिजन और नेताओं ने उन्हें आखिरी विदाई दी। इससे पहले भी उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय में रखी गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेटली ने शनिवार दोपहर 12:07 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली थी। भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्क्विथ जेटली की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जेटली ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय है। वे हमेशा लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहे हैं। इससे पहले शनिवार को जेटली के आवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जेटली 9 अगस्त को एम्स में भर्ती हुए थे। जेटली का सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का इलाज चल रहा था। वे इस बीमारी के इलाज के लिए जनवरी 13 को न्यूयॉर्क गए थे और फरवरी में वापस लौटे। जेटली ने अमेरिका से इलाज कराकर लौटने के बाद ट्वीट किया था कि घर आकर खुश हूँ। उन्होंने अप्रैल 2018 में भी दफ्तर जाना बंद कर दिया था। 14 मई 2018 को एम्स में ही उनके गुर्दे किडनी प्रत्यारोपण भी हुआ था। वे शुगर से भी पीड़ित थे। सितंबर 2014 में वजन बढ़ने की वजह से जेटली की बैरियाट्रिक सर्जरी भी कराई गई थी। जेटली को 6 महीने पहले भी जांच के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए यूके और यूएस जाने की सलाह दी थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में भी वो नजर नहीं आए थे। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। मई 2019 में उन्होंने मोदी से कह दिया था कि नई सरकार में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मोदी उनसे मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन आज उन्होंने इस बड़वाह से 18 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर डैम के रविवार सुबह 7 बजे 14 गेट खोले गए। इन 14 गेटों से 11,920 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ओमकारेश्वर के समस्त स्नान घाट जलमग्न हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक अमला घाटों पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सार्वजनिक उद्घोषणा केंद्र से लगातार सतर्कता बरतने की मुनादी भी की जा रही है। SDM श्रीमती ममता खेड़े द्वारा एकाएक गौमुख घाट से लेकर ब्रह्मपुरी घाट तक लगे मोटर पंपों में विद्युत सप्लाई बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश पर संबंधित कर्मचारियों से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद करवाया गया। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर से नर्मदा चट्टानों पर लटके मोटर पंप द्वारा करंट फैलने का भय बना हुआ था। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर से बह रहे आई एक मवेशी बांध गेट की ऊंचाई कम होने से गेट में आकर फंस गई। बांध गेट पर तैनात कर्मचारी ने तत्काल अपनी अधिकारी को इन गतिविधियों की सूचना दी। इस सूचना पर तहसीलदार उदय मंडलोई, स्थानीय थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार और कुछ नाविकों के साथ मौके स्थल पर पहुंचकर और मौके का जायजा लिया। इस दौरान सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर मवेशी को जिंदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ओमकारेश्वर डैम से छोड़े जाने वाले पानी के तेज बहाव से बड़वाह स्थित नर्मदा पुल खतरे के निशान से कुछ फीट नीचे है। सर, अभी नर्मदा जी के ओंकारेश्वर कितने गेट खुले हैं? ओंकारेश्वर गेट के अभी 14 गेट खुलने की सूचना प्राप्त हुई है और यहाँ जलस्तर भी थोड़ा बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन अपने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे पटवारी भी सभी गांव में, 6 गांव हैं लगभग, उसमें भी लगे हुए हैं। नावघाट में भी 3-4 पटवारी लगे हुए हैं। अभी सर कितना पानी बढ़ने की संभावना है? क्या खतरे के निशान तक पहुँचेगी यहाँ मोरटक्का में नर्मदा जी? अभी आज तक तो संभावना कम है, लेकिन इस तरह से वर्षा होती रही तो वस्ता खतरे के निशान तक आ सकता है पानी। यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है सर? यहाँ पर हमारे तैराक लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और पंचायत के कर्मचारी भी यहाँ लगे हुए हैं और अन्य लोग भी, हमारा पटवारी रेवन्यू विभाग भी लगा हुआ है और सभी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर, इतने बहाव के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे स्नान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप? यहाँ तैराक खड़े हैं लेकिन वो किनारे नहा रहे हैं। सर, लोकल व्यक्ति हैं, पता है कि कितना तैरना, क्या करना है, कहाँ तक जाना है।
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय है, जिसके चलते जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। वहीं राजगढ़ जिले में एक युवक ने बहते पानी में पुलिया पार करने का प्रयास किया, जिससे वह बह गया। ये तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। राजगढ़ जिले के ग्राम गुलखेड़ी में उतावली नदी में पचोर निवासी जितेंद्र नदी पार करने में पानी में बह गया। वहीं मौके पर ग्राम करोंदी ग्राम पंचायत के सरपंच जुगनू सिसोदिया की सूझबूझ से गुलखेड़ी गांव के तैराक आकाश ने बहते हुए नदी में कूदकर बहते हुए युवक को बचा लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए इसे 500 रुपए के इनाम से पुरस्कृत भी किया। नरसिंहगढ़ से राजेश गौर की रिपोर्ट। रतलाम जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने आलोप राजस्व अमले के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एक्सपायर डेट की मिठाई को जब्त कर नष्ट किया। बताया जा रहा है कि एक ठेला व्यापारी मंदसौर और राजस्थान से पुरानी मिठाई लाकर बेच रहा था। प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग के द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रतलाम जिले के आलोट में खाद्य विभाग की टीम ने एक ठेले वाले की खाद्य सामग्री की जांच की। टीम को बड़ी मात्रा में एक्सपायर डेट की मिठाई के डिब्बे एवं हाथ से बनी मिठाई मिली। खाद्य विभाग ने चालानी कार्रवाई करते हुए खराब मिठाई को जब्त कर बुलडोजर की मदद से नष्ट किया। बताया जा रहा है कि ठेला चालक मंदसौर और राजस्थान से खाद्य सामग्री खरीदकर आलोट में बेचता था। वही खाद्य विभाग की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन व्यापारियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, जहां से ठेला व्यापारी माल की खरीदारी करता था। पूरे MP में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भी चल रही कार्रवाई, और इसमें लगभग आलोट तहसील में 1000 लगभग पैकेट मिले हैं, जो कि एक्सपायरी डेट के भी है और बिना डेट के भी है, तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो, इसलिए हमने उसका विनिष्टीकरण करवाया गया। सर, अभी आपके द्वारा बताया गया है कि आलोट तहसील में 1000 पैकेट मिले, जबकि राहगीर के पास से आपको ये पैकेट जब्त हुए? राहगीर जो माल बेच रहा था उसके पास से जब्त हुआ? हाँ, उसी के पास। क्या और कहीं अन्य जगह भी छापेमार कार्रवाई की गई? नहीं, बस एक ही जगह करी, वो भी हमारी जो कार्रवाई वो रेगुलर चालू रहेगी आगे भी। सर, कितने प्रकरण दर्ज हुए आज आलोट में? आज तो एक ही हुआ भी है, फेरी वाला। सर, जो ये अभी जो खाद्य सामग्री एक्सपायर डेट की पाई गई? हाँ, एक्सपायर डेट पाई गई। किस धारा के अंतर्गत इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ? ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत हमने सेक्शन 26 के तहत हमने विनिष्टीकरण करवाया गया है। राजधानी भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े के आदेश पर प्रशासन की टीम लगातार मिलावटखोर और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। इसी के चलते बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के संचालित हो रहे हिमालय मिनरल वाटर प्लांट को सील किया गया। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर पंचपटी कॉलोनी में स्थित उक्त प्लांट में 20 लीटर मिनरल पानी की जार में पैकिंग की जा रही थी। इस दौरान प्लांट संचालक भरत वासवानी मौके पर न रसीद ही दिखाई और अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके चलते प्रशासन की टीम ने पानी बेचने पर रोक लगाते हुए प्लांट को सील कर दिया। भोपाल से गजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भले ही अच्छा सड़क होने के लाख दावे करे, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां इन दिनों शाजापुर को एक अलग ही पहचान मिली हुई है। शाजापुर को अब गड्ढापुरा शहर के नाम से भी जाना जा रहा है। आखिर कैसा है यहां सड़कों का हाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शाजापुर से निकलने वाले आगरा मुंबई राजमार्ग की इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते उपज मंडी से लेकर कलेक्टर कार्यालय के आगे तक जिधर देखो उधर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। या फिर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ए भाई जरा देख कर चलो, आगे नहीं पीछे भी। इस गड्ढे पर भरे रास्ते से डेली ही जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को रोड के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे। जिम्मेदार अधिकारी शायद कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार कब नींद से जागते हैं। इससे क्या समस्या आ रही है? यह समझ लो आप कि जितने लोग इस हाईवे पर रहते हैं या जो व्यापारी वर्ग है, यह समझ लो आपके दिन भर में आधा से एक किलो धूल खाते हैं। और मेरा एक निवेदन है यहाँ के शहर के जिम्मेदारों से, चाहे प्रशासनिक ऑफिसर हों या नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हों, ताकि ये कि इस रोड पर या तो रोज़ पानी डलवा के इसको ऐसा कर दे ताकि धूल ना उड़े, या फिर इसको डामर से और ये गड्ढे वगैरह भर दे ताकि रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। और रोज़ मैं देखता हूँ कि साहब गड्ढे बचाने के चक्कर में आदमी इधर उधर कट करने के कारण
एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। जिम्मेदारों से मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके इस गड्ढों को भरें ताकि धूल ना उड़ सके और थोड़ा सा रफ्तार भी पे कायम रखना है। प्रशासन को मैं निवेदन करता हूँ कि यातायात को कि एक तो ये जो गाड़ी तेज़ चलाते हैं ट्रक वाले और जो बस वाले सवारी के चक्कर में, ये बहुत ही तेज़ गाड़ी ले जाते हैं, मतलब आम जो छोटी गाड़ी वाहन वाले उनको चलना दुश्वार हो गया। मेरा जिम्मेदार से निवेदन है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दे करके और इस मुक्ति दिलाया जाए इस ए बी रोड। शाजापुर से शफीक खान की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के भानपुरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठी गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट और रुपए छीनने का मामला दर्ज करा दिया। मंदसौर जिले की रामगंज मंडी से कोटा स्टोन पत्थर भरकर आ रहे ट्रक ने भानपुरा में सड़क पर बैठी एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर मामले ने उस समय तुल पकड़ लिया जब ग्रामीण आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। वहीं ट्रक ड्राइवर ने ग्रामीणों पर मारपीट करने और रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर 4 से 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया, जिससे नाराज ग्रामीण पुलिस थाने पहुंची और जमकर हंगामा किया। के खिलाफ भी कोई कायमी हुई क्या? हाँ, गांव के खिलाफ अपराध पंजे के बाद किया गया है। अपराध क्रमांक 336 है, 336 धारा 429 279। सर क्या नाम है ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम है रामेश्वर। सर इसमें गिरफ्तारी कितने की हुई है? इसमें गिरफ्तारी एक की है, निक्की और विकास की हुई है, पिता देवीलाल एक की। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण पुलिस द्वारा दर्ज झूठे प्रकरणों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। बीरसिंहपुर पाली में वन संपदा लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसकी वानगी इन दिनों बाजारों में देखी जा रही है, जहां जंगलों में बांस के पौधे के नीचे व दलदल भूमि में पैदा होने वाला पिहरी इन दिनों ग्रामीणों के जीविका का बड़ा साधन बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीरसिंहपुर पाली के ग्रामीणों के द्वारा पिहरी को जंगल से बड़ी मेहनत के साथ खोजकर बाजार लाते हैं और उसे 200 रुपए किलो तक बेचते हैं। शहर के लोग इसे अपने मुख्य व्यंजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिनका कहना है कि यह मशरूम की एक प्रजाति है जो शरीर के लिए लाभदायक है। वहीं इस संबंध में क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के नामदेव का कहना है कि पिहरी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता। बता दें कि पिहरी बरसात के समय बादल गरजने के दौरान ही जमीन से उत्पन्न होती है। कहाँ से आते हो? रायपुर कुदरी टोला। कहाँ मिलता है ये? ये जंगल में मिलता है। कैसे पैदा होता है ये? ये जब बरसात लगता है मौसम के अनुसार ही ये बादल गरजता है, तब उसे उठता है बांस के नीचे ये बामी में जमीन में पैदा होता है। इसको खाने से क्या फायदे होते हैं? इसको खाने से विटामिन किस्ता। क्या भाव बेचते हो आप इसको? 50 रुपये पौवा बेचते हैं। बाजार में जो मिले पिहरी कहते हैं इसे, ये बरसात के दौरान जब बादल गरजते हैं तो ये धरती से फट के निकलता है। ये एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है इसको, और लोग इसको बड़े चाव से भी खाते हैं। और ये होता कहाँ पे है, कैसे पैदा होता है? ये जंगलों में पैदा होता है बरसात के दौरान जब बादल गरजते हैं। क्या ये बामी में और बांस के नीचे इन जगह स्थानों पर होता है?